दूसरी बात यह है इसके लिए कि आदमी सदा के लिए अमर हो सकता है अगर चाहे तो, ये थोड़ा थोड़ी कि जहाँ से आया सदा के लिए उसमें चला जाएगा, जिससे आए हैं ना परमात्मा से, कहाँ परमात्मा, ये तो आम सूर्य तारा तो दिखो ही, आप देखती हो और सूर्य दिखते हो, इससे परे एक शक्ति है, उसके परे एक शक्ति है जिससे कुछ नहीं होता, सिर्फ उससे तो शब्द निकलता है, धार देकर शब्द आता है, और उस शब्द से आगे चल के रेडिएशन से चांद सूर्य तारा लोक लोकांतर बन जाते हैं, फिर दूसरा कुछ और धार निकलती है उससे और बन जाता है, उसी से मनुष्य की जो सूरत है वो निकल के आती है, और वो नीचे आती आती ग्रेविटेशन के वजह से इस लोक पर आने के बाद फिर वो लोक धारण कर सही धारण कर लेता है, और उसके बाद उसका विचारों से कर्म शुरू हो जाता है। तो ये परमात्मा खेलने के लिए आता है, असली परमात्मा ही खेल रहा है आपके अंदर सब में, वो काम करने के लिए आता है, और वो कैसे अपना अपना खेल है, इसी तरह से ऊपर भी खेल है, जो हंस हैं सतलोक में वहाँ पर खेल है, पर उन खेलों में जाएगा वो आगे चलेगा नहीं, जाएगा नहीं, वो खेल में रहेगी तो आनंद आ जाएगा। वहाँ पर कहते ऊपर सतलोक, कहते सतलोक एक लोक सुहाना, हंस करें जहाँ परमानंदा, कहते वो इसके लिए 688 लोग वहाँ पर ऐसे, और रोज रोज की नई नई केला करते हैं, ये करते हैं वो करते, ऐसे उत्पत्ति पर ले भी बताया एक शब्द दिया मैंने, ये 17वीं पता किताब में, तो नीचे व्याख्या लिखी थी, लिखने के बाद कमला बढ़ी है तो मैं तो कुछ समझ नहीं कटा, मैं काट दी वो, चलिए तो मैं बता दूंगा तो जरूरत नहीं है, चलो रास्ता चलेंगे तो अपना रास्ता खुलता जाएगा। सब शक्ति आपके अंदर, सब शक्ति है, और सदा के लिए अमर हो सकते हो, और उस अमर होने का ये कैसे हर एक आदमी प्रमाण चाहता है, कैसे मैं बैठे हूँ यहाँ पर आपके साथ, जब मैं इस हालत में रहता हूँ ये अवस्था, तो मुझे कोई तरह का न मौत का डर है, न कोई फिक्र नहीं, कोई पका नहीं, कोई भय नहीं, कोई इसकी बात नहीं, और जब मैं वही अवस्था से नीचे गिर जाता हूँ किसी कारण से, मन के मंडल पर आ जाता हूँ सोचने की क्या क्या हुई, तो वो थोड़ी देर के भूल जाता हूँ उसको, कभी कभी उधर आ जाता, फिर सो वहाँ पे वो ज़्यादा यत्न नहीं करना पड़ा, मैंने राम राम जब की जरूरत थी मैं डायरेक्ट जंपर हूँ, पहले इधर टिका हुआ पहले दिन ही पंड की सत्संग से, और उसके बाद जो थोड़ा सा सफर था ये कोई 1962 में पूरा, मैं लाल किले बैठा था वहाँ पर घटना घटी, मैं वापस गया पंडित जी, बस ऐसे से होया, वो कहने के अभी आप इस अवस्था में चले गए हो और अभी आपके ये मुक्त अवस्था है, जीते मुक्त है, तो आप ऐसे करो कि सब लीला जो है सब उसकी है, यानी आपकी नज़र ये रहनी चाहिए कि सब कुछ वो करने वाला है, कोई आदमी कुछ करने वाला नहीं, उसकी लीला वो ही जानता है, तो इस लीला को देखते रहो, और ये नहीं समझो कि वो आदमी ये करता है, आदमी परमात्मा ही खेलता है, और अपना काम कर जाओ, नौकरी कर जाओ, और ज्ञान धारण जगह हो तो बता देना, और बाद में फिर मेरे को ये बात बताने के लिए कहीं अगर तो सच्चाई बता देना, वो सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। तो आज के सत्र में क्या हुआ, क्या बताया, एक तो ये बताया कि ये लोग जो है कर्जे का है, कोई आपका प्यारा नहीं है, कोई बेटा भाई, तो 4 दिन की जब तक है तब तक है ड्रामा है उसका, जिसे पूरा होगा वो चले जाएगा, फिर रोने की बात है, बेटी आती थी काल पर कोई आई दुखी हो रही थी, आदमी चलता रहा जवान, मैं बोले बेटा ऐसे करना, मैं 10 सत्संग दूंगा बेटी, मेरे सत्संग सुन लेना, मेरे को देखती रहना, और तेरा दुख दूर हो जाएगा, तेरे को तकलीफ नहीं रहेगी, तू ये परेशान नहीं होंगी, वो ठीक है। वो पहले दिन आया तो आई मेरे पास, और अभी वो आना चाहिए उसके बाद आई नहीं, पता ये चला कि वो अभी वापस चली गई, आपने कोई काम मार लेगी, फिर जब शुभ कर्म नहीं तो आ नहीं सकता, मैंने सत्संग विवेक न होई और राम कृपा भी न सुलभ न सोई, अच्छा कर्म नहीं तो सुलभ नहीं होगा, इधर से निकल जा सुने गाड़ी बोला, अभी उदाहरण बता रहे हो, अभी कल परसों आप बहुत दुखी थी, जीवते जागते आदमी से क्या मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, मैं वो ज्ञान देने के लिए आया हूँ ये, और वो कैसे होगा, या तो मेरी बात सुन जाओ, मैं जो कहता हूँ बात को यकीन कर लो, यकीन करना खड़ा का घर नहीं है, आदमी होने कमी नहीं रखोगा, तो आप करके देख लो, अगर करके देखते हो तो क्या करना, मामूली बात कुछ नहीं, ज्यादा ताकती बात नहीं है, आपको ये क्या करेंगे, अच्छा तो आपको नींद आओ उसकी कितना जोर लगाओ आप, कितना जब सुमन जान करो हो, नींद आवे गहरी नींद रात को, कितना सुमन जान करते हो, बात समझे कि नहीं, जब गहरी नींद आवे तो कोई यत्न करोगे शायद में सब देगी, और वहाँ चले जाते हो आप जिस तरह से आए हो, इधर आपको तकलीफ थी सब भूल गए, पैर दर्द कर रहा था, परेशान थे, ऑपरेशन भूल गया सब कुछ, चले गए वहाँ, या ब्याह शादी है तो समस्या, या कैसे करेंगे साहब, या कैसे करेंगे, ये कैसे करूँगा, समस्या सब समस्या खत्म, वहाँ चले गए, और सुबह के टाइम पर आए हराते बहुत पापड़ बेलना वही काम, कल थक गए थे, थक कर के थोड़ी जा काम, एक मजदूर है तो थी मंदिर पर इंट ले जा रहा है, लोता सो थक गया शरीर, और थक करके वो शाम के टाइम पर खाना खा के सो गया,
ये तो प्राकृतिक समाधि सब्जी हालांकि ये बताई नहीं है माता ने से नींद वाली बात है तो मैं आपको बताता हूँ ये और मेरे उदाहरण है कि भाई नींद में साबुता तारा से आदमी तू भी तो मैं प्रूव करता हूँ उस काम में कुछ ज़्यादा देर नहीं है तो ज्ञान को देर मेरे में दिख रहा क्या कि 15-20 मिनट दिख रहा थी मेरे लिए किताब में वो सबसे सबसे 15-20 होगी अब मुझे ये कह रहा भाई 5 से 4 मिनट लगी मैंने पता नहीं घड़ी तो थी नहीं मेरे पास पंडित जी के पास बैठा और बैठे यार सीधा पहले कोई तकलीफ नहीं हुई पहले दिन दर्शन करने से ये बात दिख तो रख के गुरु नानक देव लिखा इसे नानक नजरी नजर निहाल ये तो कुछ देर नहीं नानक की नजर मिली निहाल हो गई तो उस ज्ञान में कोई देर नहीं आपको लगने की सिर्फ यो ये बात सत्संग सुन के और ये बात मन का मैल जो अंतरा छोड़ के और चिंता फिर छोड़ो इसकी चिंता जो होना होगा जो परमात्मा यत्न करो और फिर जो हजार दिन पॉजिटिव बांधो फिर तो बस लेने की दाड़ा 3 बजे बस जाए 3 बजे से 2 मिनट के बाद बात पूछे हाँ हाँ बस चली गई बस चली गई तो उसमें यह समझो कोई बात नहीं बचरी गई मेरे भले में रही शायद भी बस में जाता तकलीफ हो नेगेटिव पॉजिटिव बना लो अरे रेत में से शक्कर निकाल लो नेगेटिव पॉइंट को छोड़िए पॉजिटिव बना लो काम बनाने वाले हैं अगर मेरी बात आपको याद आ जाए कि कोई काम हो गया जो करते थे वो काम नहीं होया समझो इसमें कोई भलाई है बस यार अरे वह भलाई होती रहेगी आप लोगों को ज्ञान नहीं इस बात का तो एक गुर है आपको खुशी रहने का कि जो कुछ करी सो भला जो परमात्मा करता भला जो हो रहा भला हो रहा अब जो कुछ है रहा देश में भलाई के लिए हो रहा इसका भेद सबको तो ये विचार रखवा आइए सुनो तो बेटियों सब कुछ आपके अंदर है रिद्धि सिद्धि का भंडार हो आपके विचारों में शक्ति है बहुत बड़ी विचार सुंदर कर लो घरों को स्वर्ग बना लो स्वर्ग वाणी सुख नरक वाणी दुख जब आप रुसेड़ा बैठा हो चिंता में बैठा हो तो नरक में हो और जब आप उमंग हो आपको मन गीत गाने करे भजन गाने के लिए करे खुशी है तो इसके बस स्वर्ग में हो खुशी हो उमंग है तो स्वर्ग में और जब दुखी हो चिंता में हो डरपो डर है और है कल है तो नरक में तो नरक मत बुलाओ घर को स्वर्ग बना लो खुश रहो सरला और सब करा खुशी है ने तो घर में कमी को रहने तो आज का सत्संग पहले तो अनुभव दे दिया आपको दूसरा जीवन मुक्त दे रहा हूँ तो उसका साधन ये है पहले स्थान पर साधन करोगा किसी मेरे ये करना नहीं मर्जी से किसी जानकार से पूछ लेना गुरु बना लेना कोई गुरु का क्या मतलब किसी जीवते पुरुष को बना लेना और उसका रूप प्रेम से तो थे गुरु भगत गुरु का ध्यान भैया गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना ये पहला स्थान है और दूसरा इसका तरीका और भी है कई तरीका और भी कर्म योग काम के अंदर मन लगा दो काम में जब जाओ ना दुकान में जाओ तो घर में जाओ सब दुकान में शुभ लाभ और कोई काम पर जाओ तो काम ईमानदारी से करो डांडी मार मत करो आज कल नौकर करे सारा मजदूर वो काम नहीं करना चाहते भैया अपनी तसली से काम करो तो वो हमेशा कोई कमी रहेगी उसको काम कर्मयोगी कहते गीता बताया कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग मैं ज्ञान योग दे रहा हूँ आपको सीधा प्रमोशन वाली बात कर रहा हूँ क्या तो आप सदा के लिए अमर हो जाए और वो अमर होने का तरीका इधर से पहला ध्यान करो आपको दुनिया की चीज़ मिल जाएगी इधर ध्यान बढ़ने का तरीका यहाँ जब ध्यान बढ़ जाएगा आपको शरीर को भूल जाओगे और इस जगह पर आपको पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा और घंटे का शब्द आएगा टर्न टर्न के मंदिर में दाखिल हो टाली विधान और क्या मतलब मंदिर में दाखिल हो गया आप पहचान यह है कि मंदिर में दाखिल हो गया आप ऐसे टंडी बस ठाकुर जी की जगह हो आप झाक जाओ खुद वो कर्मकांड है फिर वो आपके अंदर टाली बजाएगी पीले रंग का प्रकाश सिद्धि आ जाएगी आप सोचोगे वही होगा अगर पत्नी पर दुख करोगा बुरा सोचोगा बीमार हो जाएगी शास्त्र ज़्यादा सोचोगा तो चली जाएगी और पति पर सोचोगे तो वो चला जाएगा सुन लो और बच्चों को गुस्से से सोचोगा ऐसे आपकी शक्ति बनी है ना आप तो जबरदस्त थोड़ी जैसे चोट है इसे ध्यान जो करता है फिर उसको बिल्कुल मन साफ होना चाहिए वो करो नहीं तो ही बचो नहीं करोगे तो करने तकलीफ जो वगैरह ऐसे ध्यान करते ना गुरुआ का नाम लेके आते हैं वो कहते हैं ये है वो नाम करते हैं जबते गलत क्योंकि मुझे ध्यान जपने लगा वो बेरो आ जाता है किसी लड़ाई हुई बड़े उसके साथ ये करूँगा वो काम करते हो और ज़्यादा करते हो नींद देती शांति मिले नहीं रहती वो अवस्था नहीं पीड़ इष्ट रहती ध्यान का मतलब इष्ट है सामना आपको जो मूर्ति बनाइए जीव तेरह मिलाओगा तो ज्ञान भी मिलेगा उसका गुण शब्द होगा उसको क्या शब्द होगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार्वन तस्वीर श्री गुरु में उसको प्रकाश प्रकाश की कोई जरूरत नहीं उसका रूप को बना लो और रूप में शक्ति आ जाएगी और फिर आप जो सोचोगे वही होगी और बोलोगे वही होगी और संगत को कहते हैं ये बात करोगा
गुरु जी ने याद करते टपक टपक सुत रहे तो महाराज जी ऐसे वो बात याद आएगी ना आपको रोना आ जाएगा प्रेम ऐसा प्यार हो तो हो आप समझेंगे नहीं तो चार तरह की सेवा है ये गुरु की। पहली सेवा क्या है? पहला है अर्थ सेवा नित्य करे काम क्रोध में चित्त से हरे चरण दबावे पर एक बात करो पुराण माने चरण दबावे पंखा फेरे चक्की पीसे पानी भरे मोरी दो झाड़ू को धोए खोद खजाना मिट्टी लावे उस मिट्टी को समीट खोली पर एक बात खोद खजाना मिट्टी लावे काट पेड़ से दांतन लावे शौकीन थे और बटना मन स्नान करावे पीठी मड़की स्नान करावे अंग पूछे धोती पहनावे करे रसोई भोग धरावे कोई महल में आर न लावे गुरु कहीं सोकार कमा। यह तो धन की सेवा और धन की सेवा ये धन की सेवा ये है भाई गुरु सेवा में खर्च कराई गुरु नहीं भूखा तेरे धन का गुरु पे धन है भक्ति रतन का पर तेरा उपकार कराई भूखे पैसे को दिलवावे उनकी मेहर तू मुफ्त पावे जो उनको प्रसन्न करावे। अब मैं भी ये काम कराता हूँ कि भाई बांटोगे इतने का तो बंडला बांटोगे इतना ज्ञान दोगा तो ज्ञान दो योग देता हूँ मैं तो ज्ञान का दान दिवाता हूँ मैं थारा तो कपड़े का दिवाऊँ न थारा को रोटी का दिवाऊँ न थारा को भंडारे का दिवाऊँ सीधा ज्ञान का दिवाता हूँ मुख ले जाओ तो चार चार आप पढ़ो बेटी पढ़ेगी बिन्नी पढ़ेगी पढ़े सब पढ़ने बाद और नीए डी एड को दे दो पड़ोसी को दे दो लाभ आपको ज्ञान मिल जाएगा। मैं सीधा डायरेक्ट कराता हूँ ज्ञान ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है जब मैं भक्ति मुखों को चीज़ कराता है देखो ये पहले भी नहीं करा तंत्र छोड़ दी सबको और फिर कहता इसके लिए मन की सेवा है दर्शन करे उसके ऊपर नजर हो गुरु वचन पुनि सुने सुन सुन के नित मन में गुणे गुण कर काट देवे सारा सार धार तिस करे हरा कर हार पुष्ट हुआ भाई जग भय सब गई न सके जब उसका ध्यान बन गया सब कुछ दर्शन करे वचन सुने और सुन के देखे मेरे काम से कौन सी चीज है सार काट ले और फिर उसके मुताबिक रेणी बना दे अपनी रेणी बना दे तो बताया बस रेणी बन जाती है वो रेणी को करने से बेफिक्र बन गया बस और कुछ ये है मन बुद्धि की सेवा। चौथी भक्ति है आगे अंतर्मुख बैठे एकांत अभ्यास करे पावे मन शांत दो दल उठ गगन को दाए खुशी और नाद बतावे तब सतगुरु की जानी महिमा जिन प्रताप बाजी धुन बीना बीन को शब्द है इस सतलोक में बीन का शब्द वहाँ तो ये काम था ये योग के अंदर पहले इधर ध्यान करना गुरु का और दूसरे नंबर पर इधर लिया इधर आएगी मूर्ति लाल रंग का प्रकाश आएगा ओम का शब्द आएगा इस तरह माथे के बीच में और उसके थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो ये यहाँ पर इसको कहते हैं प्रारंभ सारंग तो यहाँ पर सारंगी जैसा शब्द आएगा और चांद जैसे चाननी होगी पूर्व चाननी नहीं होगी ये नीचे चलने वाली बात है प्रमोशन डायरेक्ट नहीं है नीचे बढ़ती हो रहा है तो यहाँ पर वो सारंगी जैसे शब्द आएगा और अंध आएगा तो उसमें क्या आएगा मस्ती आएगी आपको नशा रहेगा आप दुकानदार हैं कुछ भी काम कर रहे हो आप जो कर रहे हो नशा रहेगा मस्ती रहेगी खुश रहेगा आओ दुकान आपकी ले जाओ चाह पानी में होंगे अच्छा ठीक है तो ठीक है सबसे अरे तो काम करते हो मिस्त्री हो तो ये काम तो आइए सो तो हाँ आइए साहब बोलिए क्या काम करते हो नेता तो हाँ आओ आओ थारी तो कृपा में बैठो बया को नहीं गए वो या बने को नेता है तो ऐसे बने को आओ बैठो बैठो वो साधारण आदमी को माड़ा नहीं समझता वो समझता ही नहीं कि कृपा से मिला हूँ और वो उनकी सम्मान करेंगे तो इस तरह का तरणी जिसकी बन जाती है फिर उसका सब काम। अब उसके बाद ये तो आगे चल रहा इसके आगे चले तो मस्ती कुछ नशा रहेगा बेफिक्री थोड़ी सी देर के लिए तो सुबह करके चले जाओगे मस्ती ये फट जाएगा और बेफिक्र इसके थोड़ा और ऊपर जाओगा तो सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा उसको सोम सोम का शब्द है वहाँ पर ही अभी आगे नहीं पूछे हैं बाल मिलने से पहले और सोम का शब्द है सोम यानी मैं वही हूँ और वो आपको प्रकाश आएगा सफ़ेद वो ईश्वर है वो शक्ति है वो जीवन है देखो वो प्रकाश वो फलते फलते प्रकाश हो जाओगा पूरा जबरदस्त और वो प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा वीरपा बढ़ जाएगी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी जो सोचोगे वही हो जाएगी जो सोचोगे वही हो जाएगी और ये अवस्था बनी प्रकाश की फिर इसके साथ लंबो तोड़ो फिर आगे चल जाओ कई लोक लोकांतर केवल कितने गए जीव हैं हंस हैं कुछ ऐसे वो मैंने ये देखे जाकर ठहरे थे ये रस्ता नहीं करा आगे पे इसके समझे हो सब कुछ मिल गया। अब ये शरीर छूटेगा तो फिर दोबारा होगा फिर चक्कर में अब अच्छा करा तो अच्छा भोगोगे अगर गुरुआई करी है तो गुरुआई फल मिलेगा अच्छा करे तो अच्छा फल ना कर्म के अनुसार फिर जल मिलेगा और सदा के लिए जाना फिर सीधा वो गुरु को मिलेगा वो कहे देखिए प्रकाश मिल गया तो आनंद दे रहा तू या आत्मा तेरा ये आनंद है तो आनंद दे रहा असुरती दे रही थी तो आगे चाल घर आ गए तो आगे तो कोशिश करो पूरा टिको
इसको अलख निरंजन कहते, पुराण साधु कहते अलख निरंजन, अलख मांगते थे वो कि इसको अलख मतलब जो 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 देखा नहीं जा सकता अनुभव किया जाएगा, ये देख नहीं सकते आप अनुभव कर सकते, मैं भी अनुभव बैठा हूँ, मैं उस अलग के अनुभव में बैठे बात करूँ आपसे, अब यहाँ नहीं हूँ तो ठीक है बार बार ही दस गया सहज में धुनारी है और चलिए सहज सुन रहे हो साथ आप सत्संग दे रहे हो, श्री का ख्याल नहीं बात का ख्याल नहीं, तो वह उस्ताद जाएगी आप वो फिर इधर से तरीके इस अलग से लेकर इस चोटी तक के साधन को अगम कहते हैं, अगम कहानी जिसका किनारा नहीं आती जिसका ठा नहीं पड़ता, पर आप एक राम नाम की धुन को पकड़े चलो और ये बोलने वाली चीज़ है इसको सुरत कहते हैं, आत्मा से आगे की चीज़ है सुनते जा रहे हो, और जब कभी मौका रहेगा जब यहाँ गोता खा जाओगे जाते नहीं तो शब्द रहेगा ना सुनने वाली चीज़ रहेगी, जिगर ही इनकी तरह चला गया, अब सुनते सुन गया फिर होश भाव, फिर वो बाहर का गुरु फिर सत्संग देगा आप कि अभी आप जीवित मुक्त अवस्था में रहें, जीवित मुक्त हैं तो सब कुछ जो कुछ परमात्मा इंदिरा सब परमात्मा, तो फिर आपकी दृष्टि क्या बढ़ जाएगी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जलवा तेरा हु, जहाँ देखो उधर तू ही तू है, तेरे और कुछ नहीं, सब वही है, वो शक्ति आपके अंदर आ जाएगी और ये आप सुनती है, और फिर जब तक जियोगे तब तक स्मरोगे और जब शरीर छोड़ोगे और वही चीज़ आ जाएगी तो आप सीधे उसके अंदर चले जाओगे, सब जब समा जाओगे और दोबारा आओगे जाना जाना बदल जाएगा, तो सत्संग तो इस काम के लिए था, लेकिन बीच में जो पापड़ बेलू हो ये जरूरी है, क्योंकि ये बातें बताना जरूरी है, उससे दुखी नहीं कोई, दुखी इससे ही सदवेश से घाटो सा इस चीज़ को घाटो सा इस घाटो क्या घाटो रोज अपनों है अपने विचारा को है, जो बुरा सोचते हैं उसका नाम घाटा है, तकलीफ है, रोग है, ऐसे उससे हैं तो परमा तो नहीं जाता तकलीफ है, वो तो उसको तकलीफ है नहीं वहाँ पर, न दुख है सुख है समस्या होगी, नींद में कोई दुख सुख है ये, तो उस अवस्था से आदमी है आपको कोई किसका सुख किसका सुख, ये नीचे आकर के सोचते उससे बन जाता, तो आज का सत्संग मेरे ख्याल काफ़ी होगा, काफ़ी है, तो अभी आपको प्रश्न पूछना योग ज्ञान ध्यान की बात पूछना।